अस्सलामुअलैकुम, मैं यासिन मुराद और आज का हमारा टॉपिक है कि इंसान गलती करता है या इंसान से कोई गलत करता है, इंसान खता का पुतला गलतियां करता है, तो उसके बाद हमारा रिस्पांस कैसा होना चाहिए उस गलती पे, हम उस गलती पे रिएक्ट कैसे करेंगे, हम उस गलती पे अपना कैसे रद्द अमल देंगे। सबसे पहली बात कि हमें ये सोचना होगा, ये देखना होगा गलती हुई है या हमने की है या किसी ने किसी से हुई है या उसने की है, दोनों में फ़र्क है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। एक अगर वो कर रहा है तो सज़ा तो बनती है, गलत किया है, हो सकता है वो दोबारा फिर करेगा। एक ने चोरी की है और हम उसे छोड़ दें कि ये दोबारा नहीं करेगा, तो हो सकता है वो दोबारा फिर करे, सज़ा बनती है। अगर एक हुई है तो हम उस पर क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल, अगर सैलाब आ जाता है तो क्या किसी ने की है ये गलती, किसी इंसान ने की है? नहीं, आपको उसे सैलाब को उसे पुश्त डालकर उसे बोलकर आगे बढ़ना होगा। इसी तरह आपको हर गलती पे, हर मिस्टेक पे, गलत आपके साथ कितना हो सकता है, कितना सोचे आपके साथ कितना बुरा हो सकता है। इधर अर्थक्विक आ जाए, आप ख़त्म, ज़मीन खुले अंदर हम ख़त्म, कितना बुरा हो सकता है। लेकिन जितना भी बुरा हो हमें आगे बढ़ना है, हमें उसे छोड़कर उसे एक्सेप्ट करके उससे सीख के आगे बढ़ना है। सब यही करते हैं कि उसे एक्सेप्ट करते हो आगे बढ़ जाए, लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक पीछे हो जाती है जो बेवकूफ़ लोग ही करते हैं, कि जो उसे एक्सेप्ट करके सिर्फ आगे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ गलत करना गलत नहीं है, मैं मानता हूँ अगर मैंने कुछ गलत किया है तो वो गलत नहीं है, लेकिन उससे अगर मैंने नहीं सीखा तो वो गलत है, क्योंकि अगर मैंने नहीं सीखा तो मैं वो दोबारा करूँगा और हो सकता है उससे भी बुरा अंजाम पाऊँ। गलती नहीं है, लेकिन गलती से ना सीखना गलत है। दूसरी टर्म, इसका दूसरा पहलू, जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसका भी एक दूसरा पहलू है। अगर गलती की है तो ठीक है, गलती नहीं है, लेकिन गलती से अगर सीखा है, अगर आप कुछ सीख जाते और दोबारा उसे नहीं करते, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कर लेते हैं, उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज गेन कर लेते हैं, देन आपके लिए वो सक्सेस है, आपके लिए वो गलती भी विक्ट्री है, कामयाबी है। और आप जिस तरह से गलतियाँ हम करते हैं, हर मोड़ पे गलती करते हैं, बड़ी नहीं छोटी गलती ज़रूर करते हैं, इस तरह आप अगर सीखते हैं तो आपकी सक्सेस। और सक्सेस क्या देती है? करेज, मोटिवेशन, एनर्जी। अगर आप हर गलती से सीखते हैं तो आप सक्सेस हासिल करते हैं, अगर सक्सेस हासिल करते हैं तो आप ऑल टाइम मोटिवेटेड भी रह सकते हैं, ऑल टाइम एनर्जेटिक रह सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। किसके साथ? करेज के साथ। करेज होगी कि अगर मैंने गलती की तो मैं सीखूंगा, लेकिन हिम्मत चाहिए। अगर आप गलती करें तो उसे एक्सेप्ट करके बढ़ तो चले जाते हैं, लेकिन उसे गलती ना मानने के लिए हिम्मत चाहिए। आपको साथ वाले मनवा लेंगे कि आपने गलत किया, आप उसे मानकर आगे तो बढ़ना है, लेकिन उससे सीखना है। और सक्सेस आपकी विक्ट्री होगी, सक्सेस आपकी कामयाबी होगी। कामयाबी करेज देती है, कॉन्फिडेंस देती है, एनर्जी देती है, मोटिवेशन देती है, और आप ऑल टाइम मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो आपको एग्जांपल देता हूँ, आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में आप गलती करेंगे, कैच मिस करते हैं, और उसको आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। अगर रुक जाएंगे तो क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, कैरियर ख़त्म हो जाएगा, शौक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे, अगली बार वो गलती नहीं करेंगे, देन वो आपकी सक्सेस होगी। और वो सक्सेस आपको करेज देगी कि अगली बार आप कैच ड्रॉप नहीं करेंगे, अगली बार आप वाइड बॉल नहीं करेंगे, अगली बार आप लेग के बजाय ऑफ पे हिट करेंगे। मीन्स कि आप सीखेंगे और वो आपकी सक्सेस अल्टीमेट टेम्परेरी नहीं है तो परमानेंट आपकी कंफर्म वो सक्सेस बनेगी। क्योंकि अगर आप एक लीडर के पास जाते हैं तो वो अपनी सक्सेस ज़रूर देखता है, किस अंदाज में, अपने फेलवर के अंदाज में, फेलवर से उसने जो सक्सेस हासिल की उसे ज़रूर देखते हैं। एक अच्छा ट्रेनर में ये नहीं देखा जाता उसकी क्या सक्सेस है, ये देखा जाता उसने कितने वेज से फेलवर हासिल किया है। दैट्स व्हाई आपको फेलवर से, मिस्टेक से रुकना नहीं, आगे बढ़ना है क्या करके, सीख के, और वो सक्सेस होगी, वो आपको एनर्जी देगी, कड़ी देगी आगे बढ़ने। डेट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। खुदा हाफिज़।